मैं हूं आपके साथ सपना मद्देसिया। एक्सिस बैंक मिर्जापुर से चोरी हुए बंधन बैंक के 35 लाख रुपए पुलिस ने किया बरामद। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां पर 8 जून को एक्सिस बैंक मिर्जापुर से वेरिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस के कर्मचारी सूर्यजीत खौसर द्वारा एक्सिस बैंक मिर्जापुर में जमा करने के लिए बंधन बैंक मिर्जापुर से ले आया गया। 50 लाख रुपए का बैग जमा करने से पूर्व अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली कटरा थाने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। चोरी गए रुपयों की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश भेजा गया, जहां पुलिस ने रुपए बरामद तो कर लिया लेकिन अभियुक्त फरार हो गए। एएसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्र अधिकारी नगर स्वाट एवं सर्विलांस टीम तथा स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए एक्सिस बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों एवं बैंक के आसपास के सीसीटीवी कैमरों से रुपयों भरा बैग ले जाने वाले अभियुक्त की शिनाख्त करके पतारसी सुराग गति से अभियुक्तों के संबंध में जानकारी की गई, तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मध्य प्रदेश के जनपद राजगढ़ के ग्राम कड़िया साथी के रहने वाले थे। थाना कोतवाली कटरा स्वाट एवं एसओजी की संयुक्त टीम को चोरी गए रुपयों की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद राजगढ़ मध्य प्रदेश भेजा गया। स्थानीय थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ की मदद से अभियुक्तों के संबंध में जानकारी की गई, तो अभियुक्त के रूप में एक कोको साथी और दो कबीर साथी की पहचान हुई। स्थानीय मुखबिरों की मदद से अभियुक्तों के संबंध में जानकारी कर उनके छिपे हुए स्थान में पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई, तो स्थानीय परिस्थितियों का फायदा उठाकर अभियुक्त मौके से भाग गए। अभियुक्तों के रोकने की स्थान की तलाशी ली गई, तो मौजूद एक बैग में 500 रुपए की 66 गड्डी तथा 200 रुपए की 10 गड्डी, इस प्रकार कुल 35 लाख रुपए जिस पर बैग की पर्ची लगी हुई थी बरामद हुए। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से अन्नपुरा श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारे जनपद में दिनांक 8/6/2021 में एक्सिस बैंक में 50 लाख रुपए की चोरी हो गई थी, जिसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया था। अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और इंटेलिजेंस को भी सक्रिय किया गया था। जरिए इंटेलिजेंस और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये पता चला कि जो घटना कारित हुई है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं मुझे, और यह राजगढ़ जनपद के हैं। इस सूचना के आधार पर यहाँ की स्थानीय टीम, स्वाट टीम और अन्य मुखबिर भी गए। वहाँ पर पता किया गया तो पता चला कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फुटेज दिखाई पड़ रहा है वो कड़िया सासी गांव के रहने वाले अभियुक्त हैं। हमारी पुलिस टीम ने काफ़ी वहाँ पर साक्ष्य संकलित किया, उसके बाद ये पता चला कि बगल के जंगल में इकट्ठा होने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, वो स्थानीय परिस्थितियों का, स्थानीय वातावरण का फायदा उठाते हुए भागे, लेकिन जब हमारी टीम ने जाकर के वहाँ